नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, दोनों में लॉस थे, छोटे छोटे चार चार पॉइंट के लॉस ट्रिगर हुए हैं, क्योंकि आज ना मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज मार्केट फ्लैट खुला, उसके बाद किस तरह से हमने क्या लॉजिक से ट्रेड लिए, कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस थे, ये सारी बातों को यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे फ्रेंड्स को सोच रहे होंगे कि सर कल का वीडियो नहीं है, कल आपने कोई बड़ा लॉस कर दिया था क्या? नहीं, कल मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, इसके लिए कोई वीडियो नहीं बता पाया। मंथ के एंड में मैं मेरी ट्रेडिंग डायरी भी आपको बता दूंगा, पूरे मंथ का समरी बता दूंगा, सब कुछ ईमानदारी के साथ शेयर करूंगा। और आज भी लॉस हुआ है तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। माय डियर फ्रेंड, इतना भरोसा रखना कि जो बंदा आपके सामने है वो आपके साथ यूट्यूब कम्युनिटी के साथ बिल्कुल ईमानदारी से पेश आएगा, लॉस होगा, और जब पास में भी हुए हैं मैंने ईमानदारी से उसको रिवील किया है, ताकि ट्रेडर कम्युनिटी में एक अवेयरनेस फैल सके कि यार दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, राइट। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी कैपिटल और अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स गंवाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाया जाते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता है कि लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, राइट। अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करते हैं और चैनल में ऑनेस्टी नजर आ रही है, बंदे में ऑनेस्टी नजर आ रही है, तो प्लीज टाइप थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे इस चार्ट के अंदर। ये निफ्टी का चार्ट है, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे पोजीशंस दिखा दूं। पोजीशंस में देखिए 6975 का लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो 14.5 लाख कैपिटल के आसपास देखो तो 0.5% से भी कम है। अच्छा, मेरे पहले के वीडियोस में आपने सुना होगा कि मेरी 15 लाख कैपिटल थी, अब ये 14.5 लाख हो गई, बिकॉज मंडे के दिन जब फिन निफ्टी के ऑप्शन पुट ऑप्शन में एक बड़ा स्पाइक आया, तो वहां पे हमें मंडे को 35,000 का लॉस हो गया। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हो पाया क्योंकि मूव इतना फास्ट था, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, जो है वो ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, अब आज के लॉसेस क्यों हुए, कैसे हुए, इन बातों के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। आज मैंने पहला ट्रेड लिया था 11:29 को, 19,750 का पुट सेल किया था। पुट सेल करना मतलब हमने वहां पे एक बुलिशनेस ट्राई किया था, बुलिश ट्रेड बनाया था। क्यों ट्राई किया था उसको जरा एक बार समझ लेते हैं, राइट। तो चलिए, ये 18 का दिन है, आज फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और प्रोडक्ट से पहली कैंडल में गिर गया। ये 5 मिनट का चार्ट है। पहली कैंडल गिरने के बाद वापस बुल्स पिक्चर में आ गए और यहां से ये 5 मिनट का ये क्रॉस करके ऊपर ऊपर की तरफ लेके गए। बट आई वॉज वेटिंग पेशेंटली, क्योंकि मार्केट यू नो वॉज नॉट गिविंग अ क्लियर डायरेक्शन। क्योंकि पहले फ्लैट ओपन हुआ, गिरा, वापस ऊपर गया, तो मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट पे थोड़ा भरोसा नहीं था, दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग, राइट। फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और ऑल ऑफ अ सडन दिस बिग कैंडल स्टार्ट कमिंग, दैट यू नो, यहाँ से निफ्टी अगर आप देखो ना, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स यू स्पीड में गिर गया विदाउट यू नो गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू एंटर। अब ये जो डे था, ये डे लेवल था 19,775, ये एक्चुअली कल का लो था। अब यहां पे आके यू नो निफ्टी नीचे की तरफ शेडो बनाने लगा, थोड़ा रुक गया, देखो इतनी बड़ी कैंडल के बाद रुक गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई। और वहां पे मैंने एक छोटा सा चांस लिया था कि अब ये जो है 19,775 के आसपास एक चांस लेंगे, थोड़ी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी उसके अंदर 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 निफ्टी घूम रहा था, तो वहां पे मैंने थोड़ा छोटा सा चांस लिया था 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, अल्टीमेटली जो ट्रिगर हो गया। और फिर दूसरा चांस मैंने यहाँ पे लिया था, ये जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 719 का, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे लेवल पे आके रुका, फिर से ऊपर गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, फिर से नीचे आया। फिर जब ये हैमर कैंडल बनी, ये वाली मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहां पे ये वाली हैमर बनी, तब जाके मैंने वापस ट्राई किया था। बट अल्टीमेटली वो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्राई कर रहा था, अगर यहां पे सेल किया तो स्टॉप लॉस यही था। ऐसा नहीं था कि इलॉजिकल स्टॉप लॉस था, लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल कर रहे थे। बट अल्टीमेटली यू नो बेरिश डे था, यहां पे मुझे लगा कि चलो एक लेवल आ रहा है, यहां से थोड़ी रिकवरी आ सकती है। आई वॉज टारगेटिंग दिस, मेरा लॉजिक ये था कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो गिर गई ना, ये इसके पीछे लॉजिक था कि इसकी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो गिर गई, मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूशन वहां पे एक्टिव हो चुके हैं,
तो वहां तक जितने सारे लोगों के ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुए, जैसे मेरे को शॉर्ट करना था, मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, आपको शॉर्ट करना था, आपका ट्रिगर, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी काफी लोगों का ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ होगा जब ये ऑल ऑफ अ सडन फट 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 करके गिर गया। सो मेरा थॉट ये था कि एक ना एक बार अगर निफ्टी को गिरना भी होगा ना, तो निफ्टी ये रेंज में जाएगा वापस, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल गिर गई, मतलब काफी ऑर्डर वहां पे पेंडिंग रह गए होंगे। और ये 8819 का एक अच्छा लेवल था जिसके आसपास आके मॉर्निंग में भी आप देखो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। सो ये मेरा लॉजिक था कि एक बार वापस ऊपर जाएगा, बट खैर गया ही नहीं। मार्केट मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, और हमने इस तरह से आज का हमारा ट्रेडिंग क्लोज किया। दो लॉस मेकिंग ट्रेड के बाद मैं कभी ट्रेड करता नहीं हूं, तो मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता हूं। क्या आप अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और आप अपने सेटअप को फॉलो करते हैं? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।